हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट जोन 2012 लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो टोटल क्वेश्चन कितने आए थे लीनियर अलजेब्रा के? टोटल क्वेश्चन आपके 9 थे 2012 में, एंड पार्ट बी में से आपके 4 क्वेश्चन थे, पार्ट सी में से आपके 5 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल पे जा कर के लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको मेरी पिछली वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको अपडेट रहना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है पार्ट बी का। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए और बी दो रियल मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, एंड द सेकेंड वन इज रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस दैन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, एंड द थर्ड वन इज रैंक ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, एंड दी लास्ट इज रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को कैसे करोगे। फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एक फोर एन इज इक्वल टू टू के लिए एक मैट्रिक्स मैं कंसिडर करूँगी। ए मैट्रिक्स इज 1 0 0 0, 2 क्रॉस 2 की आपकी ये मैट्रिक्स है। एंड एक मैं बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेती हूँ, बी मैट्रिक्स मैंने ली 1 0 1 1। अब यहाँ पे देखिए कि रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए इज़ 1 एंड हेयर रैंक ऑफ बी इज़ 2। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ए प्लस बी करूँ तो क्या आएगी मैट्रिक्स, ए प्लस बी इज़ 2 1 0 1। ओके, एंड हेयर रैंक ऑफ ए प्लस बी इज़ ऑल्सो 2। तो यहाँ पे देखिए कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए प्लस बी आपके पास क्या है, 2 है, एंड रैंक ऑफ ए क्या है, 1, और एंड रैंक ऑफ बी इज़ 2। तो यहाँ से देखिए 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, एंड आपके पास क्या है, ए और बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है, तो इसके लिए एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या है, देखिए जो सेकंड ऑप्शन है, रिजल्ट क्या है, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है रियल मैट्रिक्स, देन वी नो दैट रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। तो हमने जो यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया था, इधर देखिए कि रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या था आपके पास, 2। ओके, एंड मिनिमम क्या आएगा यहाँ पे देखिए, अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो रैंक ऑफ ए प्लस बी आपका क्या है, 2 है, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए क्या है, 1 है, एंड रैंक ऑफ बी क्या है आपके पास, 2 है। तो यहाँ से मिनिमम क्या आएगा, 1, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन में हमें मैक्सिमम चेक करना है, तो इसके लिए मैं एक अदर एग्जांपल कंसीडर करूँगी। देखिए ऑप्शन फोर्थ के लिए मैं 4n = 3 के लिए एक मैट्रिक्स कंसिडर करती हूँ, मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं 4n = 3। ए मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर की 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, एंड यहाँ पे देखिए रैंक कितना है, रैंक ऑफ ए इज़ 1, एंड एक बी मैट्रिक्स मैं कंसीडर कर लेती हूँ, यहाँ पे बी मैट्रिक्स मैंने ली 0 0 0 0 0 1 0 0 0। ओके, एंड यहाँ पे रैंक कितना है, रैंक ऑफ बी इज़ 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ ए प्लस बी, तो क्या आएगी मैट्रिक्स आपकी, 1 0 0 0 0 1 0 0 0। तो ए प्लस बी में आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ कितनी है, 2 रोज़ है, तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ ए प्लस बी आएगा वो कितना होगा, 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन में इसने क्या कहा कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी इज़ 2, एंड द मैक्सिमम ऑफ
रैंक ऑफ ए इज़ वन एंड रैंक ऑफ बी इज़ वन. तो यहाँ पे भी देखिए टू इज़ नॉट इक्वल टू वन, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा. ओनली सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. लेट जाई बी ए प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, जाई क्या है, प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओके, ये आपको गिवन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओके, एंड डिफाइन ए डिफाइन है, ए अपने पास यहाँ पे क्या है, ए आपके पास होगा यहाँ, सॉरी ए मैट्रिक्स आपकी है, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, देखिए जाई स्क्वायर जीरो 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 वन जीरो 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 जाई. ओके, ये मैट्रिक्स है. अब देखिए कि जाई भी ए प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि जाई क्यूब इज वन. डिफाइन ए मैट्रिक्स फॉर ए वेक्टर वी इन आर थ्री. डिफाइन मोड ऑफ वी ए इज इक्वल टू, किस टाइप से डिफाइन है, देखिए यहाँ पे मोड ऑफ वी ए इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ मोड ऑफ वी ए वी ट्रांसपोज. ठीक है, और वी है जो वो कहाँ से बिलोंग करता है, आर थ्री से, यानी कि ये एक रो वेक्टर होगा और जो वी ट्रांसपोज है ये क्या हो जाएगा, कॉलम वेक्टर. वे है वी ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ वी. एंड अब देखिए यहाँ पे इफ़ डब्ल्यू इज इक्वल टू वन वन वन, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन डब्ल्यू ए ये क्या होगा. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो उससे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर मैं वी ए वी ट्रांसपोज की बात करूँ तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स होगी या एलिमेंट होगा. यहाँ पे देखिए जो ये है वी, ये क्या है, रो वेक्टर है, एंड वी ट्रांसपोज है ये क्या है, कॉलम वेक्टर है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वी है ये क्या है, वन क्रॉस थ्री. ठीक है, वन रो एंड थ्री कॉलम्स हैं, एंड ए क्या है आपकी, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है, एंड जो वी ट्रांसपोज है ये क्या है, थ्री क्रॉस वन का वेक्टर है. ठीक है, या फिर मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि v वन क्रॉस थ्री और जो a v ट्रांसपोज होगी ये क्या होगी, थ्री क्रॉस वन की मैट्रिक्स होगी. और अगर मैं इसको भी ओपन करूँ सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, v a v ट्रांसपोज, तो ये आपके पास क्या आएगा, वन क्रॉस वन का एक एलिमेंट आएगा. ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट ही आएगा. अब देखिए अगर मैं डब्ल्यू ए की बात करूँ तो डब्ल्यू ए क्या होगा, डब्ल्यू ए इसी टाइप से मैं डिफाइन करती हूँ जैसे वी ए इसने डिफाइन किया था, स्क्वेयर रूट ऑफ मोड ऑफ डब्ल्यू ए, और यहाँ से क्या आएगा, डब्ल्यू ट्रांसपोज. ओके, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. स्क्वेयर रूट ऑफ मोड ऑफ डब्ल्यू आपके पास क्या है, वन वन वन. ओके, डब्ल्यू आपके पास ये है, और ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, जाई स्क्वेयर जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो जाई. ओके, यही है. अब यहाँ पे देखिए डब्लू ट्रांसपोज वन वन वन. अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगी आपकी मैट्रिक्स, इसको सिंप्लीफाई कीजिए. जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए मोड ऑफ डब्ल्यू ए इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ यहाँ पे आएगा मोड ऑफ ये वन वन वन, एंड इधर आएगा आपके पास जाई स्क्वेयर वन एंड जाई. ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम तो क्या आएगा, यहाँ से स्क्वेयर रूट ऑफ मोड ऑफ जाई स्क्वेयर प्लस वन प्लस जाई. ओके, अब उसके बाद देखिए हमें पता है कि अगर आपके पास जाई प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो अपने पास एक रिजल्ट होता है कि जाई स्क्वेयर सॉरी तो रिजल्ट क्या है आपके पास, जाई स्क्वेयर प्लस जाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इफ जाई
बी ए प्रिमिटिव प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, अगर आपके पास जाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी, तो आपके पास रिजल्ट क्या है कि जाई स्क्वायर प्लस जाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे पुट कीजिए इस वैल्यू को, क्या आएगा, मोड ऑफ जीरो, और मोड जीरो क्या होता है आपके पास, जीरो, एंड स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, मोड ऑफ डब्ल्यू ए किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, अदर थ्री ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। और यहाँ पे देखिए जो एन है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, विद रियल एंट्रीज ए वन वन इज इक्वल टू जीरो एंड ट्रेस ऑफ ए इज जीरो। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए जीरो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। एंड वेक्टर स्पेस आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस सच दैट ए वन वन इज इक्वल टू जीरो एंड ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो रिस्ट्रिक्शन है, ए वन वन इज इक्वल टू जीरो एंड ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो यहाँ पे कंडीशंस है कितनी है, टू है। ठीक है, आपके पास वेक्टर स्पेस ये है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ वी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वी आपके पास क्या है, सॉरी, जो ए आपके पास है क्या है, सिमेट्रिक, जो ए है सारी की सारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपके पास रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन वी नो दैट डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, रिजल्ट देखिए क्या है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then dimension of a symmetric matrix, dimension क्या होगी, n into n plus 1 by 2। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशंस कितनी है, एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस, लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस कितनी है, यहाँ पे टू है। ठीक है, एक आपके पास क्या है कि ए वन वन जीरो है, एंड सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन कितनी होगी, देन देयरफॉर गिवन हैज़ डायमेंशन, क्या होगी डायमेंशन, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू माइनस, क्या आएगा, माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस हैं, तो एन यहाँ पे, अब इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा, एन इंटू एन प्लस वन माइनस फोर बाय टू। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, एन स्क्वेयर प्लस एन माइनस फोर बाय टू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अदर थ्री ऑप्शन आर इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट एन बी ए वैक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट थ्री, डिफाइन एस, किस टाइप से डिफाइन है, एन टू एन बाय, यहाँ पे देखिए जो एन है, ये एन जो है ये क्या है, वैक्टर स्पेस है ऑफ ऑल रियल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट थ्री। ठीक है, एंड किस टाइप से डिफाइन है, डिफाइंड एज एस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस वन एंड पी इन एन। ठीक है, पी कहाँ से बिलोंग करता है, वैक्टर स्पेस से। देन द मैट्रिक्स ऑफ एस इज द बेसिस, बेसिस हमें क्या गिवन है एस की, वन एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एंड कंसिडर्ड एज कॉलम वैक्टर इज गिवन बाय। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है कि मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, यानी कि एक टाइप से हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेसिस दिस। ठीक है,
तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले देखिए जो n है आपके पास क्या है, n बी दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। ठीक है, बेसिस आपके पास क्या है, b मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ इसको 1x, एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब। ठीक है, अब मैट्रिक्स किस टाइप से निकालते हो आप, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो गिवन है एस पी ओ फैक्स, यहाँ पे जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं उनको पुट कीजिए। सबसे पहले जब मैं 1 पुट करूँगी एस ऑफ 1 तो क्या आएगा, यहाँ पे एट मोस्ट डिग्री 3 है। ठीक है, जब मैंने पी ओ फैक्स को 1 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और लीनियर कम्बिनेशंस में लिखिए, बेसिस के लीनियर कम्बिनेशंस में जब आप लिखोगे तो 1 × 1 0 × x, और यहाँ से 0 × x² प्लस 0 × x³। ठीक है, अब एस ऑफ एक्स निकालिए, जब मैं पी एक्स को एक्स लूँगी तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशंस में लिखिए 1 × 1 प्लस 1 × x प्लस 0 × x² प्लस 0 × x³। अब यहाँ पे पी एक्स को आप एक्स स्क्वेयर लीजिए तो यहाँ से क्या आएगा एक्स प्लस 1² ठीक है, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो देखिए 1 × 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 × x प्लस 1 × x² प्लस 0 × x³। अब पी एक्स को एक्स क्यूब रखिए तो यहाँ से आएगा एक्स प्लस 1³। अब यहाँ पे आएगा 1 × 1 प्लस 3 × x प्लस 3 × x² प्लस 0 × x³। ओके, अब यहाँ से जब आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास जो एस ऑफ वन, जो वन आया यहाँ पे, जो लीनियर कम्बिनेशंस है कोफिशियंट ऑफ 1, कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, इनको हम कॉलम्स में लिखेंगे। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू, फर्स्ट जो आपके पास है यहाँ पे कॉलम्स क्या आएंगे 1 0 0 0 एंड सेकेंड में देखिए 1 1 0 0 एंड थर्ड इज 1 2 1 0 1 3 3 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपकी ये बनेगी 4x4 की। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में कौन सी मैट्रिक्स है ऐसी, सेकेंड यहाँ पे क्या आएगा ये 1 × x³ आएगा तो इधर 1 है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट कब होती है, देखिए पॉजिटिव डेफिनेट अगर है मैट्रिक्स आपकी तो आइगन वैल्यूज भी पॉजिटिव होंगी, डिटर्मिनेंट भी आपका पॉजिटिव होगा एंड प्रिंसिपल माइनर्स भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो देखिए पॉसिबिलिटी, जो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स अगर होगी तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो आइगन वैल्यूज हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं अगर पॉजिटिव डेफिनेट है, देन ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड क्या होगा कि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव एंड थर्ड इज ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव, ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है हम चेक कर लेते हैं उनकी आइगन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट एंड प्रिंसिपल माइनस। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को ही लेके चलूँ तो मैट्रिक्स आपके पास है ए इज इक्वल टू 2 1 1 2, तो डिटर्मिनेंट देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 − 1 = 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रिंसिपल माइनस देखिए a11 क्या है 2 ग्रेटर देन 0 एंड a22 कितना आएगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट निकालिए तो 2, तो a22 यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, प्रिंसिपल माइनस भी ग्रेटर देन 0 है एंड डिटर्मिनेंट भी क्या है ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से जब आइगन वैल्यू आप निकालोगे तो वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होंगी, तो यहाँ से क्या आ गया दिस इम्प्लाइज ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, बी आपके पास क्या है, बी इज इक्वल टू 1 2 2 1, यहाँ से डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा 1 − 4 = −3 विच इज लेस देन 0, तो यहाँ से क्या होगा दिस इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है,
थर्ड का अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँ तो यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, अगर मैं इसको सी बोलूँ तो डिटर्मिनेंट यहाँ से आएगा आपका 16 - 1 = 5 विच इज 15 इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रिंसिपल माइनर्स क्या होंगे, C11 इज 4 एंड C22 इज 4, तो ये भी आपकी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से ये भी क्या होगी, पॉजिटिव डेफिनेट होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन में अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँ तो डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या आएगा, 0 - 16 विच इज़ लेस देन 0, तो ये कभी भी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली टू ऑप्शन सारे करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट ए बी ए नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए रियल वैक्टर स्पेस वी ऑफ डायमेंशन एन। यहाँ पे क्या है कि ए बी ए नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन रियल वैक्टर स्पेस वी ऑफ डायमेंशन एन, लेट दिस सब स्पेस, यहाँ पे सब स्पेस क्या है, वी नॉट इज सबसेट ऑफ वी, बी द इमेज ऑफ वी अंडर ए, लेट के इज द डायमेंशन ऑफ वी नॉट विच इज लेस देन एन एंड सपोज दैट फॉर सम लैम्डा इन आर, आर यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा ए, देन फर्स्ट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1, सेकेंड इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज मोड ऑफ लैम्डा रेज टू द पावर एन एंड द थर्ड इज लैम्डा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड द फोर्थ वन इज देर इज ए नॉन ट्रिवियल सब स्पेस वी वन इज सबसेट ऑफ वी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन वी वन। तो फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले देखें यहाँ पे कि जो वी नोट है क्या है, सब स्पेस है, ठीक है। वी नोट क्या है, यहाँ पे सब स्पेस है, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की ही बात करूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू 1, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए v आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है ऑफ डायमेंशन n एंड v नोट क्या है, सब स्पेस ऑफ v है, देखिए v नोट इज द सब स्पेस ऑफ v, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि b दी इमेज ऑफ v, ठीक है, इमेज ऑफ v अंडर a, ओके। एंड के आपके पास क्या है, डायमेंशन ऑफ वी नोट विच इज लेस देन एन एंड और आपके पास क्या है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा ए। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ लेट ए इज इक्वल टू 2 0 0 0, ओके। एंड ए स्क्वेयर पे क्या आएगा, ये ए स्क्वेयर करने पे आएगा आपके पास, जब मैं स्क्वेयर करूँगी तो 4 0 0 0 कैन बी रिटन एज 2 × 2 0 0। अब ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ से ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वेयर किसके इक्वल है, लैम्डा ए के इक्वल, लैम्डा ए इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से किस लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ओके। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर एन, मोड ऑफ लैम्डा रेज टू द पावर एन, डिटर्मिनेंट निकालिए, यहाँ पे मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 0 0 0, अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ओके। एंड लैम्डा क्या है, यहाँ पे 2 है, अगर मैं लैम्डा रेज टू द पावर एन करूँ, यानी कि अगर मैं 2 रेज टू द पावर 2 करती हूँ तो क्या आएगा, 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर एन, तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, लैम्डा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे देखिए कि लैम्डा आपके पास कितना आया है, 2, एंड आइगन वैल्यूज यहाँ पे कितनी होगी, आइगन वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे एक 2 होगी एंड सेकंड क्या होगी, 0 होगी। लेकिन इसने क्या कहा कि लैम्डा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, लेकिन अपने पास तो क्या है कि 0 भी आइगन वैल्यू है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ इज देयर इज ए नॉन ट्रिवियल सबस्पेस वी वन सबसेट ऑफ वी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन वी वन, तो देखिए इसको कैसे करोगे, ऑप्शन फोर्थ को कैसे करोगे, ऑप्शन फोर्थ देखिए, वी नोट क्या है आपके पास,
वी नोटिस इमेज ऑफ वी अंडर ए. ओके, एंड दिस इम्प्लाइज इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू वी नोट एंड इज, हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ ए. ओके, एंड नाउ डायमेंशन ऑफ वी नोट कितनी है. डायमेंशन ऑफ वी नोट इज इक्वल टू के विच इज़ लेस देन एन. दिस इम्प्लाइज वी नोट क्या है, आपके पास रेंज ऑफ ए. देन दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ए इज इक्वल टू के विच इज़ लेस देन एन. तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ए क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन विच इज़ लेस देन एन. ओके, एंड दिस इम्प्लाइज अगर आपके पास रैंक लेस देन एन है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास जीरो आइगन वैल्यू मिलेगी पक्का, ठीक है, तभी उसकी रैंक आपकी क्या आई है, लेस देन एन आई है. अगर आपके पास सारी की सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होती तो रैंक कितना होता, एन के इक्वल. अब देखिए अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन है तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए. ओके, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, जीरो इसकी आइगन वैल्यू हो गई. अब बाय रैंक नलिटी थ्योरम क्या आएगा, देखिए बाय रैंक नलिटी थ्योरम यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एन इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए. तो यहाँ से देखिए एन इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कितना है आपके पास, के प्लस नलिटी ऑफ ए. तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस के, ठीक है. अगर आपके पास नलिटी ऑफ ए एन माइनस के है तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज नलिटी ऑफ ए क्या होता है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए, ठीक है. नलिटी हम उसी को बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए इज एन माइनस के विच इज ग्रेटर देन जीरो. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल, देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल सबस्पेस वी वन ऑफ वी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अदर थ्री ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट सी बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, लेट डब्ल्यू बी दी वेक्टर स्पेस स्पेंड बाय वन सी सी स्क्वेयर अप टू सी रेज टू द पावर टू एंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस डब्ल्यू इज. हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस डब्ल्यू. ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सी क्या है, एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, ठीक है. सी आपके पास है एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, देन देयर फॉर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सी इज लैम्डा रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन लैम्डा रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सोन प्लस ए नोट. एंड वी नो दैट एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो यहाँ पे देखिए वी नो दैट Every matrix satisfies its characteristic equation. ठीक है, every matrix satisfies its characteristic equation. This implies यहां से क्या आएगा, cn plus a n minus 1 c raised to the power n minus 1 plus up to so on प्लस ए नोट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, तो यहाँ से देखिए अब कैन बी रिटन एज सी एन इज इक्वल टू माइनस ए एन माइनस वन सी रेज टू द पावर एन माइनस वन माइनस ए नोट आइडेंटिटी. ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने सी रेज टू द पावर एन को लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख लिया, ठीक है. तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज सी एन इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन सी सी स्क्वेयर अप टू सी रेज टू द पावर एन माइनस वन. ओके, देन यहाँ से क्या आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू स्पेन वन सी सी स्क्वेयर अप टू सी रेज टू द पावर एन माइनस
वन, ठीक है। तो जो वन सी सी स्क्वेयर अप टू सी रेस्ट टू द पावर एन है, ये सारे के सारे कहाँ चले गए, डब्लू के स्पेनिंग सेट में। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ डब्लू इज इक्वल टू एन, ओके। और ये डायमेंशन ऑफ डब्लू एन कब होगी, इफ कंडीशन देखिए क्या है, इफ वन सी सी स्क्वेयर अप टू सी रेस्ट टू द पावर एन इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे डायमेंशन एन कब होगी कि जब वन सी सी स्क्वेयर अप टू सी एन ये क्या हो, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो, तब डायमेंशन आपकी एन होगी। अदरवाइज डायमेंशन क्या होगी, अदरवाइज डायमेंशन ऑफ डब्लू इज लेस देन एन, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ डब्लू इज एट मोस्ट एन, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ डब्लू इज इक्वल टू एट मोस्ट एन। अगर एट मोस्ट एन है तो हम बोल सकते हैं कि एट मोस्ट टू एन भी होगी। तो यहाँ से सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट वी वन वी टू बी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली इज ए सब स्पेस ऑफ वी। वी वन एंड वी टू आपके पास सब स्पेस है वी के, तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सब स्पेस होगा, ठीक है। आपको एक कंडीशन पता होगी कि सब स्पेस होने के लिए सबसे पहले उसमें जीरो वेक्टर कंटेन करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम जो वन वे टेस्ट होता है सब स्पेस के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे करोगे इसको, जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, वी वन इंटरसेक्शन वी टू, क्या वी वन इंटरसेक्शन वी टू सब स्पेस होगा। वैसे तो ये रिजल्ट के थ्रू डायरेक्ट होता है सब स्पेस, अगर वी वन और वी टू सब स्पेस है देन वी वन इंटरसेक्शन वी टू भी क्या होगा, सब स्पेस होगा, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन को, वी वन एंड वी टू आपके पास क्या है, वी वन एंड वी टू आर सब स्पेस ऑफ वी, आर सब स्पेस ऑफ V। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज जीरो वी वन में भी कंटेन बिलोंग करेगा एंड वी टू में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। देन देयरफॉर अगर वी वन एंड वी टू दोनों में जीरो है तो इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा, वी वन इंटरसेक्शन वी टू, ठीक है। नाउ अब जीरो तो यहाँ पे बिलोंग कर गया, उसके बाद हम वो देखते हैं कि नाउ लेट U एंड V, हम दो यहाँ पे वेक्टर ले लेते हैं V1 इंटरसेक्शन V2 से। तो देखिए दिस इम्प्लाइज U कहाँ पे बिलोंग करेगा, V1 अगर ये इनकी इंटरसेक्शन में है, दिस इम्प्लाइज U इन V1 एंड अगर U और V इनकी इंटरसेक्शन में है देन दिस इम्प्लाइज U एंड V V1 में भी होगा एंड U V V2 में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब आल्सो फोर एन स्केलर्स, ऑल्सो फोर एन स्केलर्स ए बी, अगर मैं फील्ड से कोई भी दो स्केलर्स लूँ ए बी देन V1 एंड V2 आपके पास क्या है, सब स्पेस है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखिए ए यू प्लस बी वी किस में जाएगा, V1 में एंड ए यू प्लस बी वी कहाँ पे कंटेन करेगा, V2 में, बिकॉज V1 एंड V2 आर सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। यही है आपका वन वे टेस्ट, सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। अगर आपको सब स्पेस प्रूफ करना होता तो आप क्या करते हैं, एक तो जीरो वेक्टर आप उसमें दिखा देते हैं स्पेस में, एंड सेकंड कंडीशन आपकी ये होती है कि अगर मैं ए यू प्लस बी वी उस स्पेस के अंदर दिखा दूं तो हम उसको सब स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। अगर वी वन एंड वी टू सब स्पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अगर ए यू प्लस बी वी वी वन में भी है एंड ए यू प्लस बी वी वी टू के अंदर भी है देन दिस इम्प्लाइज ए यू प्लस बी वी इनकी इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा, सॉरी बिलोंग करेगा इनकी इंटरसेक्शन के अंदर भी, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज वी वन एंड इंटरसेक्शन वी टू सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, वी वन यूनियन वी टू, क्या ये सब स्पेस होगा, वी वन यूनियन वी टू कैसे करोगे, आपके पास रिजल्ट होता है डायरेक्ट
कि वी वन यूनियन वी टू इज ए सबस्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ वी वन कंटेंड इन वी टू एंड और वी टू कंटेंड इन वी वन. तो यहाँ पे देखिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इन दोनों में से, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स इन वी वन एंड वाई इन वी टू, क्या ये सबस्पेस बनेगा? तो यहाँ पे देखिए इसके लिए भी आपके पास रिजल्ट होता है कि लेट डब्लू वन एंड डब्लू टू बी सबस्पेस बी सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी देन द सम ऑफ डब्लू वन प्लस डब्लू टू इज ए सबस्पेस ऑफ वी इज ए सबस्पेस ऑफ वी दैट कंटेन्स बोथ डब्लू वन एंड डब्लू टू. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसी रिजल्ट को अप्लाई करूँ तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सब स्पेस बनेगा. एंड द फोर्थ ऑप्शन क्या है, वी वन बाई वी टू वे हर एक्स इन वी वन एंड वाई डज नॉट बिलोंग इन वी टू, तो क्या ये सब स्पेस बनेगा? इसके लिए देखिए मैंने क्या बताया था कि जीरो तो पक्का उसके अंदर कंटेन करना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो जीरो है वो वी वन बाई वी टू के अंदर कंटेन नहीं करेगा. ठीक है, जो जीरो है वो वी वन बाई वी टू के अंदर कंटेन नहीं करता. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वी वन एंड वी टू है वो क्या है, दोनों के दोनों वेक्टर स्पेस है. ठीक है ना, तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नाइन क्वेश्चन ही आए थे आपके, तो लास्ट क्वेश्चन है ये. लेट एन बी ए नॉन जीरो थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स विद द प्रॉपर्टी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे देखिए एन स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, नीलपोटेंट. ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है. एंड यहाँ पे देखिए जो एन है वो क्या है, नॉन जीरो. अब आपको एक रिजल्ट पता होगा कि अगर आपके पास नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो वो कभी भी डायगनल मैट्रिक्स नहीं बनेगी. ठीक है, कभी भी वो डायगनलाइजेबल नहीं होगी. तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर आपके पास नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो कभी भी डायगनलाइजेबल नहीं होती, ओनली जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन क्या है, एन हैज़ वन नॉन जीरो आइगन वैक्टर एंड द फोर्थ इज एन हैज़ थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स. तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए एन आपके पास क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है. देयरफॉर एन क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स. नीलपोटेंट मैट्रिक्स देयरफॉर एन हैज ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो. अगर मैं जीरो के कोरस्पोंडिंग पहले मैं यहाँ पे एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स कंसिडर कर लेती हूँ. यहाँ पे देखिए लैम्डा मैं जीरो ले लेती हूँ क्योंकि आइगन वैल्यू इसकी जीरो है. एंड मैं एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर करती हूँ, एन जीरो जीरो वन जीरो 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 जीरो. ठीक है, और जीरो के कोरस्पोंडिंग मैं यहाँ पे एक आइगन वेक्टर लेके चलती हूँ. ठीक है, एंड लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री. हमें यहाँ पे देखना है कि जो ये आइगन वेक्टर है ये जीरो है या नॉन जीरो है. ठीक है, बी एन आइगन वेक्टर ऑफ एन. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर ये आइगन वेक्टर है तो क्या कंडीशन होगी, ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. लैम्डा यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू, ए यहाँ पे क्या है, एन है, तो एन एक्स इज इक्वल टू जीरो.
एन देखिए यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, x1 x2 x3 is equal to 0 0 0, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इम्प्लाइज x3 is equal to 0 एंड x1 and x2 are arbitrary, ओके। तो यहाँ से जो आइगन वेक्टर है वो क्या आ गया, x1 x2 and 0, तो हमें एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए n हैज़ वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर, तो हमें एक आइगन वेक्टर क्या कैसा मिल गया, नॉन जीरो आइगन वेक्टर, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, n हैज़ 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना।